नलवा से इनेलो पार्टी के विधायक रणबीर गंगवा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले की शिकायत विधायक के भतीजे रामचंद्र ने हिसार के आजाद नगर में दी है। शिकायत में बताया गया कि विधायक रणबीर गंगवा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनमें गलत पोस्ट डाली जा रही है। कंप्लेंट तो ये है जी, आज फेसबुक पे ना मेरे चाचा श्री रणबीर गंगवा जी के की फेक आईडी बना करके उस पे अमित शाह जी की फोटो लगा करके ये कहा गया है कि 25 तारीख को रणबीर गंगवा जी की घर खाना है, तो ये सरासर गलत है और ये गलत पोस्ट डाली हुई है, तो उसके खिलाफ हमने आजाद नगर थाना के अंदर कंप्लेंट दी है और पुलिस ने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि हम इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। जल्दी इसका पता चल जाएगा कि किसने कौन सी आईडी क्यों बनाई और किस लिए बनाई है। हाँ, फेसबुक का ही है जी, सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया में आजकल पता ही है जी, सोशल मीडिया का ही जमाना है और जो भी खबर डालती है तो आग की तरह फैलती है जी। हाल ही में इनेलो के विधायक रणबीर गंगवा की फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट जमकर वायरल हुई थी। इस पोस्ट में अमित शाह की फोटो लगाकर कहा गया था कि अमित शाह उनके घर पर खाना खाने आ रहे हैं। उन्होंने इस पोस्ट को फर्जी करार दिया। उनकी मांग है कि जिस तरह से उनकी फर्जी आईडी बनाई गई है, जिसने भी बनाई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। 5-4 दिन से लगातार कोई न कोई ऐसी कोई फेक न्यूज कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं सोशल मीडिया पे, और यहाँ तक कि मैंने एक अखबार दैनिक जागरण के अंदर भी पढ़ा, और उसके अंदर तरह तरह के कयास जो आज के राजनीतिक हालात है उस पर लगाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत है। और जो आज एक मेरे नाम की फेक आईडी बना करके फेसबुक के ऊपर उसके अंदर ये कहा गया कि रणबीर गंगवा के घर अमित शाह का खाना है 25 तारीख को, बिल्कुल ही बेबुनियाद है, गलत था। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत एसपी हिसार से बात की और एसपी हिसार से टेलीफोन करके बकायदा से रिटर्न के अंदर मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई है, उसकी एफआईआर दर्ज कराई है कि जिस भी व्यक्ति ने ये जो इस तरीके की फेक आईडी बनाई है उसको तुरंत उसका पता लगाया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि किन लोगों ने इस तरीके के षड्यंत्र रच करके और बेबुनियाद बात जहाँ कहने की बात कर रहे हैं, जहाँ कहीं न कहीं मेरी छवि को जो है वो खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके खिलाफ बकायदा से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वहीं इस बारे में पुलिस का कहना है कि आईटी हेड को इस बारे में जांच करने के आदेश दिए गए हैं। हमारे पास आज एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जो नलवा हल्के से विधायक हैं इनेलो से श्री रणबीर गंगवा, उन्हें उनके भतीजे रामचंद्र हैं, उन्होंने थाने में आके कंप्लेंट करी है, जो उनकी एक फेसबुक आईडी गलत तरीके से बना के फर्जी और उस पर कोई गलत पोस्ट डाली है, उसकी जांच चल रही है। साइबर क्राइम से रिलेटेड है ये मामला, हम जांच करके जैसी भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाए। देखना होगा कि नेताओं की फर्जी आईडी बनाने वाला ये शख्स कितनी जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ पाता है। सत्य खबर के लिए हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।